सर्वेश समाज विशिष्ट वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उन्होंने इस आयोजन की सराहना की। छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने दुर्ग दौरे पर अग्रसेन भवन में आयोजित सर्ववैश्य समाज विशिष्ट वैवाहिक परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान इस आयोजन में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव भी शामिल रहे। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों के हाथों समाज की परिचय पुस्तिका का विमोचन भी यहाँ पर किया गया। जो लिखा वसुदैव कुटुंबकम लिखा, और जब विश्व हमारा परिवार है और मेरे परिवार में किसी सदस्य को तकलीफ है तो मैं खुशियां नहीं मना सकता। मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को मदद की जरूरत है मेरी तो मैं हाथ पर हाथ धरे। पास में भी आप लोगों का अग्रवाल समाज का एक भवन है, अग्रसेन भवन, जो बाकी भवनों के तुलनात्मक रूप में अगर देखेंगे तो उनका चार्ज बाकी भवनों से लगभग आधा के बराबर है। ये सेवा की आपने मिसाल इस दुर्ग नगर के लोगों के लिए जो आप प्रदान। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में आयोजन की सराहना दिल से करते हुए भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे सर्वहारा वर्ग के लिए एक प्रयास को काफी सराहा और साथ ही आभार जताया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी। का यह पहला बजट जिस विजन को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं 2047 लक्ष्य को लेकर, उसी लक्ष्य में छत्तीसगढ़ का भी बड़ा योगदान हो, छत्तीसगढ़ विकसित बने, छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, छत्तीसगढ़ समृद्ध बने 2047 तक, उसी का ये रोड मैप है। हर क्षेत्र हर वर्ग को इसमें समाहित करके और छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया। निश्चित रूप से इस बजट में कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का, छत्तीसगढ़ के फ्यूचर का यह रूप है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, जिस पार्टी ने 75 साल देश के साथ, देश की जनता के साथ अन्याय किया हो, वो आज न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं। देश की जनता ने ये तय कर लिया है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का और छत्तीसगढ़ की 11 सीट देने का, ये न्याय यात्रा का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। ओबीसी नहीं है। राहुल गांधी जी की बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये तो ओबीसी समाज का अपमान है। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये इससे राजनीतिज्ञ के लिए उचित नहीं होता है। और जैसी जानकारी बताई गई कि इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से 400 से अधिक जोड़ों का विवाह तय हुआ और विवाह हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे सामाजिक काम संभावना समिति ने किया। मैं राजीव अग्रवाल जी और पूरी टीम बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।